Being an actor, of course, brings the required stardom and fame. But not to forget, actors most often unnecessarily become a part of an unwanted rumor. Hear what Naman has to say on it. मेरे बारे में कोई रूमर्स नहीं है यार, मैं तो बड़ा सिंपल सा बंदा हूँ। मेरे साथ भी एक बार ऐसा हुआ था, जबकि कुछ भी नहीं था, एक सिंपल सी इंटरव्यू चल रही थी मेरी और राम कपूर की, एंड ही जस्ट किस्ड ऑन माय चीक्स, और उसका एक बहुत बड़ा रूमर बन गया था, एंड यहाँ के पेपर्स के फ्रंट पेज पे आ गया था, राम कॉल्ड एंड ही वाज लाफिंग। मैं बोला था हाँ, हंसने की तो बात है पर लोग इसे ऐसे पोर्ट्रे कर देंगे, ये हमें भी नहीं पता था। तो हाँ, समटाइम्स मीडिया जो होती है वो छोटी छोटी चीज़ों को इतना बड़ा बना देती है, और they blow it out of proportion, which is very dangerous also. So मैं भी एक बार रूमर के उसमें फंस गया था, but luckily I'm out of it now. ये जो रूमर फैलाई थी, एक जर्नलिस्ट ने मुझे एक पार्टी में मिली वो, तो मैं उसके सामने गया और आई वॉज लिटल ड्रंक, तो मैंने उनको इतनी सुनाई, एंड शी वॉज लाइक, नमन आई एम सो सॉरी, नमन वी हैड टू डू इट, नमन वी हैड नो न्यूज, एंड नमन यू नो इट्स अ गुड पी आर, लाइक PR, it's bad PR. It's I don't want this kind of PR. और मैंने उसको इतनी सुनाई, पूरी पार्टी बेचारी वो एक कोने में खड़ी रही और मैं उसे सुनाता रहा, तुमने ऐसा क्यों किया, क्यों किया, क्यों किया। एंड उसके बाद से शी हैज़ नेवर कॉल्ड मी, एंड फिर बहुत साल बाद मैंने उनसे मिला, तो वी वर लाइक ओके जस्ट फॉरगेट इट नाउ। रूमर्स तो आते रहते हैं, बट अब सब काफ़ी मेच्योर हो गए और हम भी सीख समझ चुके हैं इतने साल इंडस्ट्री में रहने के बाद कि ये रूमर है, आज आया है, एंड पब्लिक भी इतनी बेवकूफ़ नहीं है, वो समझती है कि बहुत सारी स्टोरीज क्रिएटेड होती हैं, तो इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता। हाँ, फर्स्ट दिन थोड़ा सा जब सुनते हैं तो इफेक्ट होता है, बट आफ्टर फ्यू आवर्स यू लाइक, चलो ठीक है ना, इट्स ओके, बकवास लिखा है, बट इट्स ओके, यू कांट डू एनीथिंग अबाउट इट। और बिकॉज ये सच नहीं रहता, वो आस्ते आस्ते फेड आउट हो जाता है, तो ज़्यादा स्ट्रेस नहीं होता, बस एक दिन का स्ट्रेस रहता है या कुछ घंटों का स्ट्रेस रहता है, नेक्स्ट दिन आप भूल जाते हो एंड यू बैक टू योर वर्क। यू डू हैव अ पॉइंट देयर नमन, स्टारडम एंड रूमर्स सर्टेनली गो हैंड इन हैंड। उपासना पटेल, कैमरामैन बाबाजी, इंडिया फोरम्स, मुंबई। हाय गाइस, दिस इज कीर्तिदा, यू आर वॉचिंग इंडिया फोरम्स, सब्सक्राइब टू व्हाट्सएप टीवी।